हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको दो बेसिक कमांड्स के बारे में बताने वाला हूँ। वो है डेट एंड टाइम। तो नाम से पता चल रहा है, अगर मुझे आज की डेट जाननी है तो मैं कौन सा कमांड यूज़ करूँगा? डेट कमांड। ओके, बट अगर मैं सिर्फ डेट टाइप करके एंटर की हिट करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो उसने करंट डेट तो बताई बट साथ के साथ हमसे वो न्यू डेट के लिए भी पूछ रहा है कि एंटर दी न्यू डेट। बट मुझे यहाँ पर ऐसे न्यू डेट एंटर नहीं करनी, मुझे सिर्फ आज की डेट जाननी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले मुझे इसको एग्जिट करना होगा। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली एंटर की हिट करता हूँ। ओके, तो मुझे क्या करना है, सिर्फ आज की डेट जाननी है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, डेट, और इसके साथ में हमें एक ऑप्शन यूज़ करना होगा, टी। अब मैं जैसे ही एंटर की हिट करता हूँ तो आप देख सकते हो उसने सिर्फ आज की डेट डिस्प्ले करवाई। ओके, ऐसे ही टाइम कमांड। अब मैं जैसे ही एंटर क्रिएट करूँगा तो मुझे टाइम तो बताएगा, करंट टाइम बताएगा, और साथ ही साथ एक न्यू वैल्यू एंटर करने के लिए ऑप्शन भी देगा। बट जैसा कि हमने डेट कमांड में ऑप्शन यूज़ किया था टी ऑप्शन, ऐसे ही मुझे अगर ये न्यू टाइम एंटर नहीं करना है तो मैं क्या करूँगा, पहले तो यहाँ से एग्जिट करता हूँ। ओके, देन मुझे क्या करना है, सिर्फ टाइम की वैल्यू डिस्प्ले करवानी है, करंट टाइम मुझे डिस्प्ले करवाना है। तो टाइम स्लैश टी, ओके, टी ऑप्शन यूज़ करेंगे। तो जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर की हिट करता हूँ तो आप देख सकते हो उसने सिर्फ टाइम डिस्प्ले किया। ओके, सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।